वंदे मातरम। आप लोग सभी जुड़िए। आप जानते हैं कि नया साल आ गया है और नई उमंग के साथ अब मास मूवमेंट हो गया है पॉजिटिव इंडिया का, और ये पूरे भारत के परिवारों के लिए है। और इन परिवारों में सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए, पूरे देश में अमन चैन रहे इसी की कामना करते हुए, ये मास मूवमेंट का 108वां एपिसोड आप फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं। ये पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट लगभग 5.5 साल से चल रहा है और घर घर तक ये पॉजिटिव वेव्स पहुंचे, इसी के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और आरजेएस के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसके माध्यम से भी सकारात्मक भारत आंदोलन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है, और बहुत से लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। और जो सकारात्मक सॉन्ग है उसमें बहुत कुछ उद्देश्य निहित है। तो एक है इसी से फेसबुक लाइव जो 3 जनवरी 2021 7:00 बजे उदय मन्ना आप सभी का स्वागत करते हुए उस पॉजिटिव एनर्जी वाले आरजेएस राष्ट्रीय गीत से आपको रूबरू कराते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए, ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए सकारात्मकता के उदय का, चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो इस तरह से एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जिससे सरकार को जगाने की बात इस राष्ट्रीय गीत में कही जा रही है। सत्ता प्रशासन जो है उनको भी सकारात्मक बनाने के लिए आप सभी तमाम लोग जो हैं आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों की ये कोशिशें होनी चाहिए। और आपको बता दें कि जो इतिहास होता है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और 3 जनवरी का क्या इतिहास है, क्या घटनाएं हैं, तो इन बातों को सुनने के लिए आप तक कुसुम प्रसाद आ गई हैं, आपको सुनाएंगी आज क्या घटनाएं हैं, क्या इतिहास है। तो आइए मिलते हैं। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास जो है वो हमें उन चीज़ों से रूबरू करता है जिससे हम अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसमें क्या गलतियां हुई हैं, उन चीज़ों को हम इस के माध्यम से जानते हैं और इतिहास से सबक लेते हैं ताकि वो गलतियां दोबारा ना हों। और महापुरुषों की जयंतियों से भी बहुत कुछ शिक्षा जो है वो हम लोग लेते हैं। तो आइए, नमस्कार, रूबरू कराते हैं। आरजेएस वाणी है, आरजेएस वाणी में आपका स्वागत है। आज रविवार 3 जनवरी 2021 है। इतिहास में बहुत सी बातें होती हैं, ये हमें अपने पुरखों को याद रखने का जरिया है जो हमें हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सीख और उपदेश देते हैं। राम जानकी संस्थान आरजेएस द्वारा सकारात्मक भारत महाआंदोलन के अंतर्गत पेश है 3 जनवरी की प्रमुख घटनाएं। 3 जनवरी 1943 में टेलीविजन पर पहली बार गुमशुदा लोगों के बारे में सूचना का प्रसारण किया गया। 2000 में 3 जनवरी को कलकत्ता का नाम आधिकारिक रूप से कोलकाता रखा गया। 3 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। 3 जनवरी को नरेश अय्यर भारतीय पार्श्व गायक 1981 में जन्म हुआ। 1977 में गुलपनाग मॉडल बॉलीवुड अभिनेत्री का जन्म हुआ। 1954 में बागेश्वरी चक्रधर आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वर परीक्षित व मान्यता प्राप्त कलाकार हैं का जन्म 3 जनवरी को हुआ। इसी तरह 1941 में संजय खान बॉलीवुड अभिनेता का जन्म हुआ। 3 जनवरी 1938 में जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता थे का जन्म हुआ। 1927 में जानकी वल्लभ पटनायक ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री का जन्म हुआ।
चेतन आनंद प्रसिद्ध फिल्म और निर्माता निर्देशक का 3 जनवरी 1915 में जन्म हुआ। 1903 में जयपाल सिंह भारतीय हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक का 3 जनवरी को जन्म हुआ। 1836 में मुंशी नवल किशोर एशिया की सबसे पुरानी प्रिंटिंग प्रेस के संस्थापक का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 3 जनवरी को जन्म हुआ और 3 जनवरी 1831 में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। ये सामाजिक कार्यकर्ता, भारत में पहली महिला शिक्षक और मराठी भाषा में पहली महिला कवयित्री थी। 3 जनवरी को निधन हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि। 3 जनवरी को आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश, लेखक व नाटककार का 1972 में निधन। 2013 में 3 जनवरी को MS गोपाल कृष्णन, भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादन का निधन। 1979 में परशुराम चतुर्वेदी, विद्वान शोधकर्मी समीक्षक का 3 जनवरी को निधन हुआ। RGS द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर एक नज़र। प्रथम भारतीय शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती पर RGS द्वारा चर्चा। स्त्री शिक्षा फैलाकर पत्थर मारने वालों को सकारात्मक जवाब दिया सावित्रीबाई फुले ने। महिलाओं को सावित्रीबाई फुले का ऋणी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने 19वीं सदी में स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को स्कूल खोलकर सकारात्मक जवाब दिया। 3 जनवरी को 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव में जन्मी सावित्रीबाई को पहली भारतीय शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। राम जानकी संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना ने बताया कि सावित्रीबाई फुले और उनके गुरु और पति महात्मा फुले के सकारात्मक कार्यों पर शनिवार 2 और रविवार 3 को आभासी बैठक में इन पर 2 दिवसीय चर्चा हो रही है। सकारात्मक भारत महाआंदोलन के अंतर्गत जागरूकता की कई गतिविधियां चल रही हैं। दिल्ली के गांव कुशम नंबर 1 निवासी चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी और कश्मीर देवी ने कई तरह की माता पिता स्वर्गीय कई तरह की जो गतिविधियां हैं वो चली और लोगों से आमंत्रित किया गया कि आप लोग अपनी वीडियो भेजिए और आप लोग क्या कर रहे हैं। सावित्रीबाई फुले जो आप जानते हैं प्रथम हिंदुस्तानी शिक्षिका थी। ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया और स्कूल खोला और उसमें वो प्रथम शिक्षिका बनी और आज वो स्त्री शिक्षा के एक तरह से क्रांतिकारी जीवन जिया। उन्होंने लोग विरोध करते थे उस समय, स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उस समय सावित्रीबाई फुले ने वो जोश दिखाया और उस तरह से वो आगे बढ़ी और आज स्त्रियों को ऋणी होना चाहिए, यही कुसुम प्रसाद जो RGS वाणी में बोल रही थी, वो यही बात कर रही थी। अब आइए आपको इस खबर को, जो खबर अभी आपने देखा RGS द्वारा कल रिलीज की गई थी, तो कुछ खबर आज आ गई है, कुछ कल आएंगी, तो उससे रूबरू कराते हैं। ये पॉजिटिव मीडिया जो है, दर्पण टाइम्स समाचार पत्र ने खबर दिया है प्रथम भारतीय शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती पर RGS द्वारा चर्चा की गई। यही चर्चा जो है कल से हो रही है और आज भी वो जारी है। तो ये दर्पण टाइम्स की पूरी पूरी खबर है और इसमें चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी आपको दिख रहे हैं, जो कि RGS राष्ट्रीय सम्मान के वो भेंट करता है 2021 का, जो RGS राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। तो RGS स्टार फैमिली अवार्ड जो है, चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी और कश्मीरो देवी जो उनकी धर्मपत्नी है, ये अपने माता पिता की स्मृति में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम से अवार्ड दिया जाएगा। और पॉजिटिव मीडिया संज्ञान दृष्टि द्वारा ये कंप्लीट जो खबर है, ये राम जानकी संस्थान, RGS और ये जो अवार्ड है, यानी कि तमाम अपने पूर्वजों की स्मृति में RGS जो है वो अवार्ड प्रदान करेगा 2021 इस साल में। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं खबर, संसार ने अपने ब्लॉग में लिखा है प्रथम भारतीय शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती पर RGS द्वारा चर्चा। अब ये यहाँ पर 1831 में जन्म हुआ था 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का। सावित्रीबाई फुले जो हैं वो आप देखिए, ये ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले, और शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और शिक्षा दिवस जो है महाराष्ट्र सरकार ने घोषित भी कर दिया है और भारत की प्रथम शिक्षिका घोषित है ये, प्रथम बालिका विद्यालय खोलने वाली ऐसी महान आत्मा को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं आज 191वीं जयंती पर। 91वीं जयंती है आज। अब इस पर एक चर्चा हो सकती है कि आप बताएं कि 1831 में
3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। अब इसको 190वीं भी लोग लिख रहे हैं और 191वीं भी लिख रहे हैं। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि 1831 में जिनका जन्म हुआ है तो कितने साल हो गए, आप कैलकुलेट होकर बताइए कि उनको हम मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि 191 जयंती जो है वो होती है, लेकिन आप उसको संशोधन भी कर सकते हैं कि क्योंकि बहुत से लोग 190वीं जयंती इसको कह रहे हैं, तो एग्जैक्ट क्या हो सकता है आप अपना अपना आकलन कर सकते हैं और समाज तक सही जानकारी पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो 1831 3 जनवरी को जन्म हुआ, तो आज 3 जनवरी 2021 है, तो कितने साल होते हैं आप उसको कैलकुलेट करें। और कैवी जयंती कही जाएगी क्योंकि वर्षगांठ और जयंती में अंतर होता है, तो क्यों ना आरजेएस फैमिली के इतने लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग इस चीज को संशोधन कर दें और ये लोगों तक पहुंचा दें। देखिए, लोगों तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हम सबकी है, हम सबकी है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी अपनी अपनी। और सकारात्मक भारत के लिए तो आप जानते हैं सकारात्मक भारत एक आग्रह की वस्तु है, आग्रह की वस्तु है। ऐसी चीजों को आप अपने अपनों तक पहुंचाने की तो कम से कम कोशिश कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेट भी करते रहिए और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो एक सही जानकारी जो है आप लोगों के सर्वेक्षण के द्वारा वो निकल के आएगा, आप लोगों की जो समीक्षा होगी कि 1831 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले प्रथम भारतीय शिक्षिका जो है उनका जन्म हुआ, तो कैवी जयंती मानी जाए और वर्षगांठ के रूप में क्या कहा जाएगा इस पर भी आप इस पर कमेंट बॉक्स में, आपके पास कमेंट है और आप अगर लाइव आना चाहते हैं तो आप हम कोशिश कर सकते हैं। हालांकि लाइव हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, हम लोग वन बाय वन किसी को लाइव ले भी सकते हैं। और मेरे ख्याल से पारसार्थी थपलियाल साहब जुड़ चुके हैं और इनकी चर्चा करना भी जरूरी है क्योंकि 9 और 10 की तैयारी कर रहे हैं पारसार्थी थपलियाल जी, जो कि सुपरिचित वक्ता हैं और लॉकडाउन के दरमियान इन्होंने रिकॉर्ड वेबिनार को अटेंड किया, वहाँ पे मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने वो किया और चिंतक भी हैं और लेखक भी हैं, तो रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं, तो इतने महान व्यक्ति जो हैं वो जुड़ चुके हैं। और 9 और 10 को आप लोग इनसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसका नाम दिया गया है ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, ये सकारात्मक भारत महाआंदोलन है, इसके अंतर्गत कई तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। देखिए, अभी पहले फेसबुक लाइव तो डेली होता था लेकिन उसको कम किया गया और 2 हफ्ते में 2 दिन अब किया जा रहा है। तो यहाँ पर 191 जी जी बिल्कुल सलाम है पारसार्थी थपलियाल साहब, और आरजेएस ने इसी चीज को एडवोकेसी की, इसी चीज को देख कर भी लोगों को कि ये लोगों तक जानकारी पहुंचानी चाहिए कि 191 कही जाएगी, आपने 91 लिखा है लेकिन वो 191 लिखना चाह रहे होंगे आप, तो 190वीं नहीं है, तो हम लोग इसको लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। और जानकारी पहुंचाने के लिए आप जानते हैं कि देखिए आपकी एक उंगली में जो पावर है आपका, इसको शेयर कर सकते हैं, अपने अपनों तक आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने में आपकी एक उंगलियां सकारात्मक भारत को मजबूत कर देती हैं। सिर्फ एक क्लिक जो है आपका सकारात्मक भारत को दूर तक पहुंचाने में बहुत ही कामयाब हो सकता है। तो संडे सैटरडे ये 2 दिन की फेसबुक लाइव शाम 7 बजे से आप लोगों से जुड़ना, बातें करना, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है 1x1, तो कोई अगर आना चाहें तो मुझे लगता है कि आपके जो शेयर का बटन है उसके बगल में कोई बटन है, उसको आप यहां पर क्लिक करके तो हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। अगर जुड़ जाएंगे तो ये शुरुआत हो जाएगी, 1x1 हम लोग बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आरजेएस की जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी और उसको जो ये संज्ञान दृष्टि ने छापा है, वो प्रथम भारतीय शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती पर आरजेएस द्वारा चर्चा, जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, कल भी चर्चा हुई थी, और ये देखिए दर्पण टाइम्स द्वारा जो खबर दी गई है उसमें भी 191वीं है। और ये जो खबर संसार है बिहार से ये ब्लॉग लिखते हैं उनका है, और उन्होंने भी लिखा है 191
51वीं जयंती पर आरजीएस द्वारा चर्चा। तो इस तरह से चर्चा हम लोग ग्रुप में भी कर रहे हैं, यही नहीं बल्कि लोगों से वीडियो भी मांगी गई थी और कार्यक्रम भी करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया था कि इतनी महान शिक्षिका जिन्हें स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जिस महिला ने, और उनको लोग पत्थर मारते थे, उस पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, लेकिन वो महिला रुकी नहीं और ज्योतिबा फुले जो है महात्मा की उपाधि उनको मिली है और इसीलिए स्त्री शिक्षा जो है वो इन लोगों ने शुरू की, स्कूल खोला, 18 स्कूल सावित्री बाई फुले ने खोला, ज्योतिबा फुले ने किया खोला है। तो ये कार्यक्रम भी किया गया है और उसकी आपको एक झलक भी दिखाते हैं जी। सावित्री बाई फुले उनके विचारों से आप कितना प्रभावित हैं जिंदगी में? अपने आज भारत की प्रथम महिला अध्यापिका माता सावित्री बाई फुले का 190वां जयंती समारोह है। हर वर्ष की भांति इस साल भी हम लोग माता सावित्री बाई फुले के जन्मदिन पर मल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालें। जितना संघर्ष करके इस देश में जिस प्रकार से शिक्षा का दरवाजा किसान मजदूर और महिलाओं के लिए बंद था, ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्री बाई फुले के अथक प्रयास से जो शिक्षा का दरवाजा खुला, आज महिलाएं हमारे देश के अंतरिक्ष से लेकर के हर जगह महिलाओं जिस प्रकार महिला आगे बढ़ रही है, आज से 200 वर्ष पहले महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था, बाल विवाह किया जाता था, महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, तरह तरह की कुरीतियां इस समाज में फैली हुई थी। आज उसी के कड़ी में माता सावित्री बाई फुले के संघर्ष करने के चलते, ज्योतिबा राव फुले के संघर्ष के बदौलत आज महिलाओं का, आज अंतरिक्ष पर भी महिलाएं गर्व से जा रही हैं और हमारे देश की जो भविष्य है इंदिरा गांधी से लेकर के आज कई एक महिलाएं जो आयरन लेडीज से सम्मानित भी हो चुकी हैं। जी हाँ, तो इस तरह से ये रवि मौर्य थे और हम लोगों ने इनको स्वैच्छिक समर्थन दिया था जब बिहार में अपराध के लेकर इन्होंने कैंडल मार्च किया था, तो हम लोगों ने आरजीएस पॉजिटिव मीडिया ने उसका स्वैच्छिक समर्थन किया था। तो ये सासाराम बिहार में है, वहाँ पर ये सभी लोग जो हैं वो महात्मा जो सावित्री बाई फुले को श्रद्धांजलि देकर इस तरह का कार्यक्रम जो है इन लोगों ने आयोजित किया है। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे 4 जनवरी, आप जानते हैं कि हम लोग इतिहास की बात करते हैं, अभी आपने 3 जनवरी के इतिहास के बारे में रूबरू हुए, तो आइए लगे हाथों आपको 4 जनवरी जो कि अगला दिन है, हम लोग फेसबुक लाइव में 2 दिनों की बात करते हैं, आज की बात करते हैं और आने वाले कल की बात करते हैं, ताकि आप उसकी कोई तैयारी कर सकें या उनकी जानकारी लेकर आप अपने आप अवेयर हो सकें उनके बारे में। तो आप जानते हैं कि 4 जनवरी की जो घटना है वो 4 जनवरी कल, आप जानते हैं ना कि 4 जनवरी 2021 यानी कि कल भारत सरकार और किसान प्रतिनिधियों की कृषि बिल पर बातचीत होगी, और आप जानते हैं कई दौर की बातचीत जो हो चुकी है उसमें दावा यह किया गया है कि किसान बिल का जो है वो किसानों की जो मांग थी 2 मांगे मान ली गई हैं, तो इस तरह की बातें, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं है। कृषि बिल के विरोध में किसान 39 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जी हाँ, बारिश भी हो गई और उन बारिश में भी किस तरह से किसानों की क्या स्थिति है उस बारिश में, तो आपको सीधा हम ले चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली के पास है, यूपी दिल्ली का बॉर्डर है गाजीपुर बॉर्डर, वहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, इन सबों पे चारों तरफ से दिल्ली के चारों तरफ जो है बॉर्डर पे किसान जो हैं वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण अपना धरना कर रहे हैं और किसान आंदोलन उसी को कहा जा रहा है। तो राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के हैं, तो उनके द्वारा ये वीडियो आज सुबह सुबह साझा किया गया है। गेट है, हम वहाँ पर ये सुबह की तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कोई हिल स्टेशन की तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें वे हैं जहाँ पे किसान पिछले 40 दिन से किसान आंदोलन कर रहा है
सरकार को कोई छूट उसकी नहीं है। किस तरह का यहाँ का बारिश का माहौल है, जैसे पहाड़ों से पानी यहाँ पर निकलता है, ऐसे आपने जो छोटे छोटे हालात हैं, जो किसानों के जो टेंट लगे हुए हैं, किस तरह से किसान यहाँ पर रह रहे हैं, ये हालात सुबह सुबह की गाजीपुर किसान क्रांति गेट की ये तस्वीरें आप देखोगे कि जैसे पहाड़ से पानी झरने और बड़े बड़े उससे चलता है, कैसे यहाँ पर मिट्टी जो फेंके कैसे कैसे ये फेंके आ रहे हैं, आप ये हालात यहाँ के देखोगे किसान किन हालातों में यहाँ पे रह रहा है। तो ये मेरी अपील सभी किसानों से है कि जो भी गाजीपुर बॉर्डर उस पावे अपने ट्रैक्टर के ऊपर पन्नी तिरपाल ईंधन गोसा ये सारी चीज लेकर आवे। अभी आटा और यहाँ पे चीज ना लेकर आवे, आटा यहाँ पे बहुत है, दूसरी चीजों की आप व्यवस्था करके आ सकते हैं, जिस चीज की जरूरत हो उन चीजों को लेकर आवे। ज्यादातर यहाँ पे पन्निया इनकी जरूरत है, जो ट्रैक्टर अपने लेकर आवे बांस के साथ में उसको बांध से ऊपर से बरसात उसमें जाए, इन चीजों की व्यवस्था करके आपको आनी है क्योंकि बरसात है और सर्दी भी यहाँ पे पड़ेगी। आगे जो भी काम तो इस तरह की बातें पूरे जो हमारे जो वर्कर हैं, ये पूरे जो वॉलंटियर्स हैं, ये पूरे जो किसान हैं, वे सब लगे हुए हैं यहाँ पर। कैसे पानी यहाँ पर निकल रहा है, जैसे कोई हिल स्टेशन हो इतना पानी। ये राकेश जी कहते हैं भारतीय किसान यूनियन की, तो यहाँ पे आप कल बैठक होने वाली है और इन परिस्थितियों में किसान जो है 39 दिन से डटे हुए हैं बॉर्डर पे, ये जानकारी देना भी, क्योंकि गांव-गांव तक ये चीजें पहुंचे कि अगर आप वहां से आ रहे हैं तो अपनी जो है ऊपर से छतरी उतरी बरसात से बचने का वो इंतजाम करके आए, क्योंकि दिल्ली में कभी कभी बारिश भी हो रही है, अब शुरू हो गई है तो सर्दी भी काफी है, तो उसका उन्होंने एक सूचना दी है। और आपको आगे बता दें कि कल 4 जनवरी का जो दिन था उसमें 1948 में 4 जनवरी को बर्मा, जिसको कि अब म्यांमार कहते हैं, म्यांमार ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली स्वचालित मानव रहित मेट्रो ट्रेन जो है 1962 में ही चल गई थी। 1962 में 4 जनवरी को अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क शहर में पहली मानव रहित मेट्रो चल चुकी थी 1962 में। भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश पर 2010 में शेयर बाजारों के खुलने का समय एक घंटा पहले सुबह 9 बजे 4 जनवरी को कर दिया गया था। और 4 जनवरी को जन्मे जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बता दें कि नाबीला जमशेद भारतीय लेखक थे और 4 जनवरी 1988 को जन्म, और आदित्य पंचोली और हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता 1965 में आपका जन्मदिन। प्रताप चंद्र सारंगी भारत के सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता हैं 1955 में जन्मदिन। और 4 जनवरी 1952 को टीएस ठाकुर भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उनका 4 जनवरी को जन्मदिन। और 1931 में 4 जनवरी को निरूपा रॉय, माँ का रोल बहुत ज़्यादा करती थी फिल्मों में, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का जन्मदिन। और प्रदीप कुमार आप जानते हैं बहुत ही देशभक्ति वगैरह के गीत, और प्रदीप कुमार हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, वो प्रदीप कुमार जो अभिनेता थे, और 1925 में 4 जनवरी को जन्मदिन। गोपाल दास नीरज उत्तर प्रदेश में जन्मे, गोपाल दास नीरज जी हिंदी साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्य वाचक एवं फिल्मों के गीत लेखक थे। 1925 में 4 जनवरी को जन्मदिन गोपाल दास नीरज जी का। और विष्णु दामोदर चितले प्रसिद्ध कम्युनिस्ट स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रवादी एवं राजनीतिज्ञ थे, 1906 में 4 जनवरी को जन्मदिन। जे सी कुमारप्पा भारत के एक अर्थशास्त्री से 1892 में 4 जनवरी को जन्मदिन। लोचन प्रसाद पांडे प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी एवं उड़िया दोनों भाषाओं में काव्य रचना भी की थी, 1887 में 4 जनवरी को जन्मदिन। लुई ब्रेल नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति थे, 1809 में 4 जनवरी को जन्मदिन है। और निधन 4 जनवरी को किन लोगों को हुआ उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। राहुल देव बर्मन, आरडी बर्मन, एसडी बर्मन साहब के लड़के राहुल देव बर्मन, आरडी बर्मन हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार, और आशा भोसले जो पार्श्व गायिका है उनके साथ शादी हुई थी, और इनका निधन 4 जनवरी 1994 को। झावर मल्ल शर्मा राजस्थान के वयोवृद्ध साहित्यकार, पत्रकार एवं इतिहासकार, 1973
1983 4 जनवरी को निधन। रामचंद्र कृष्ण प्रभु गांधी जी के अनुयायी, रामचंद्र कृष्ण प्रभु गांधी जी के अनुयायी और प्रसिद्ध पत्रकार थे। 1967 में 4 जनवरी को निधन। मोहम्मद अली जो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और शिक्षाविद थे। 1931 में 4 जनवरी को निधन। अयोध्या प्रसाद खत्री, खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि, अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोले के प्रसिद्ध कवि का निधन 4 जनवरी 1905 को हुआ था। तो ये 4 जनवरी का जो इतिहास है, घटनाएं हैं, वो आप लोगों तक हमने पहुंचाया है। लेकिन ये कि सारी सकारात्मक भारत आंदोलन का जो बेस है वो है कि हम कभी अपने आप के अंदर भी झांकें। अपने आप के अंदर जब हम झांकेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर तो ब्रह्मांड है। तब जब आपका आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, उस आत्मविश्वास को उत्पन्न करने के लिए आप सबों से आग्रह है कि कम से कम संगीत सुनिए, क्योंकि संगीत में जब रुचि लेंगे तो आपका दिल जो है वो प्रफुल्लित होगा। को अपने मनपसंद की संगीत सुनिए, जो कि मधुर संगीत कहते हैं उसको, जो कि आपके मानसिक धरातल को एक ऊंचाइयां देगा। मानसिक जो स्थिति रहती है उसको एक सब चीज भुलाकर संगीत में लगाएंगे। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप एक जगह एकाग्रता रखें, अपने ध्यान केंद्रित रखें, चाहे अंदर रखें या अपने मस्तिष्क में उस चीज की कल्पना करें। ये हीलिंग जो होगी आपके जीवन में सकारात्मक बनाने में बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। इसलिए अध्यात्म में रुचि रखने वाले ओम प्रकाश झुनझुनवाला के पास ले चलते हैं थोड़ी देर के लिए। वीडियो तो लंबी है लेकिन थोड़ी देर के लिए एक झलक देते हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी क्या कहते हैं। आइए हम लोग उनसे भी रूबरू हो लेते हैं। आज सुबह की वीडियो आइए। मैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला आगजी इस सकारात्मक महा आंदोलन के तीसरे दिन सर्वप्रथम अपनी आध्यात्मिक गुरु परम ज्ञानानंद भोगी जी को नमस्कार करता हूँ। मैं सकारात्मक आध्यात्म शक्ति के की मूर्ति डॉक्टर रमाकांत केनी को नमन करता हूँ। यह शुभ प्रभात का शुभ कामनाओं का पिटारा अपनी सकारात्मक भाई बंधु बहन माताओं और भारतीयों को समर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत मा। जी हाँ, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने एक दिव्य दृष्टि दी कि वो एक अध्यात्म में रुचि रखने वाले ऐसे एक वरिष्ठ नागरिक हैं और उन वरिष्ठ नागरिकों की जो बातें हैं हमें घर में भी अपने वरिष्ठ नागरिकों की बातों को सुनना चाहिए, और उस वीडियो को साझा किया गया। देखिए, समाज में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं लेकिन उन कामों को जब हम चर्चा करेंगे तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें आ जाएंगी। तो अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं, सीधा सा फॉर्मूला है कि इसमें कहीं लाग लपेट नहीं है। अच्छी बातें उन्हीं लोगों को अच्छी लगेंगी जो अच्छे लोग होते हैं। देश की बात आप कीजिए, पहचान लीजिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हैं? तो इसलिए हम एक ऐसी चीज को आप तक साझा कर रहे हैं जो गुजरात की कहानी है और ये सच्ची कहानी है, और ये उमा गुप्ता जी ने भेजा है और बहुत ही प्रेरक स्टोरी है। हम आप भी चाहेंगे कि आप लोग वीडियो भेजें, वीडियो को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि उसमें आपका फेस वैल्यू भी आएगा और उसकी ऑथेंटिसिटी भी होगी। लेकिन यहाँ पर जो फोटो शेयर किया गया है, क्योंकि इनको बहुत आप सब जानते भी होंगे, नाम बता देते हैं, ये हैं सूरत के महेश भाई सवानी। जी हाँ, इनका वीडियो भी हम लोगों ने साझा किया था और आप स्वयं देखिए, ये देखिए कितनी ये सब नवविवाहिता हैं। आप जानते हैं भाई महेश भाई सवानी जी को, पहले इनकी वीडियो भी साझा की गई थी, उस कार्यक्रम को लाइव दिखाया गया था। आज उमा जी ने जो भेजा है वो आपको साझा करते हैं। बहुत ही प्रेरक स्टोरी है। क्या है? सर से पिता की छत्र छाया गंवा चुकी 251 बेटियों की शादी करवाने और सभी को 10-10 लाख रुपए की FD फिक्स डिपॉजिट देकर विदा करने वाले
सूरत के महेश भाई सवानी को प्रणाम। जी हाँ, पूरा देश प्रणाम करेगा आपके इस सकारात्मक कार्य को। सूरत के पाटीदार उद्योगपति महेश भाई सवानी आज फिर से 251 पिता की छत्र छाया गमा चुकी बेटियों की शादी करके उन्हें धूमधाम से विदा किया। हर बेटी को करीब 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट और घर में काम आने वाली सभी सामान जैसे कि फ्रिज, गैस का चूल्हा, अलमारी, एलसीडी टीवी, सभी बर्तन इत्यादि दिए गए और उन्होंने ऐसा आयोजन तीसरी बार किया है तो इनको नमन तो बनता ही है। और आपको भगवान खूब धन माया देवे, ये कहती हैं उमा गुप्ता जी, हम लोग भी कहते हैं धन के कुबेरों कुछ इस मानवी से सीखो, माया तो महादेव की है, आज है और कल नहीं, फिर जीवन में यश लेने के लिए पीछे क्यों रह रहे हो। महेश भाई, मैं आपको खूब खूब धन्यवाद देती हूँ और आप पर सदैव महाकालेश्वर का आशीर्वाद बना रहे और आप जनता की सेवा करते रहें, मुझे आप जैसे समाज सेवी पर गर्व है। हम लोगों को भी गर्व है, इस तरह का मोटिवेशनल चीजें जो हैं वो लोगों को निश्चित रूप से मोटिवेट करेंगी। और देखिए कितना तीसरी बार जो है इस तरह का आयोजन ये नवविवाहिता जो है इनको किस तरह से, और पिता का साया सर पे नहीं है इन सभी महिलाओं के, और लेकिन ये पिता की तरह अपना जो है आशीर्वाद देकर और ये सारा जो है वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो ये प्रेरक स्टोरी जो है सकारात्मक भारत आंदोलन महा आंदोलन के अंतर्गत ली गई है। अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं एक ऐसी प्रेरक स्टोरी जिसे आप जानते हैं कि अगर स्टोरी भेजते हैं तो उसको YouTube पर भी लगा दिया जाता है। और आज एक बहुत ही उदयवीर सिंह यादव जयपुर के रहने वाले और उनकी फिल्म अवार्ड विनिंग फिल्म है उदयवीर द रियल हीरो इंडियन आर्मी, ये फिल्म जो है वो अवार्ड विनिंग है और उसको जो 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 फिल्म है ये अवार्ड के लिए भेजी जा रही है। जयपुर में फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है और उसमें ये फिल्म दिखाई जाएगी। तो उदयवीर जी ने वीडियो साझा किया है, उसको यूट्यूब पर भी लगा दिया गया है। पहले आपको यूट्यूब पर वो स्टोरी दिखा देते हैं। इस तरह से यूट्यूब पर स्टोरी जो है लगा दी गई है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, मिलिए जांबाज उदयवीर से, जिफ फेस्ट में इनकी फिल्म द रियल हीरो इंडियन आर्मी शामिल, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जी। तो अब आइए उनसे जो स्टोरी है वो वहां तक आपको साझा करते हैं, स्वयं सुनिए। नमस्कार, वंदे मातरम, आरजेएस वाणी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरजेएस वाणी और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में सकारात्मक पत्रकारिता की अलख 5.5 साल से जगाई जा रही है और अब हम लोग काफी कामयाबी की राह भी पकड़ चुके हैं। इसमें प्रेरक और सकारात्मक कहानियों के द्वारा नई पीढ़ी को जागरूक भी किया जा रहा है। तो आइए आज एक ऐसे रियल हीरो इंडियन आर्मी के जो हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं जिन पर की शॉर्ट फिल्म जिफ फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। जी हाँ, उदयवीर, जयपुर बहुचर्चित 13वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि 15 से 19 जनवरी 2021 को जयपुर में ऑनलाइन होगा। भारतीय आर्मी के शौर्य को दर्शाती फिल्म उदयवीर फेस्टिवल के चौथे दिन यानी कि 18 जनवरी को दिखाई जाएगी। मेवाल फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म पहले भी कई फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत चुकी है। फिल्म के निर्देशक तप्तेश कुमार और कहानीकार अनिल यादव हैं। निर्माता उदयवीर सिंह फिल्म की मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। UFO मूवीज के प्लेक्सिगो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा और 2.1 मिलियन दर्शक, 3600 स्क्रीन और 1200 शहरों में इस फिल्म फेस्टिवल की पहुंच है। राजस्थानी सिनेमा के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है और एक सकारात्मक फिल्म से भारत में सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा मिलता है। सैल्यूट है उदयवीर सिंह जी को, द रियल हीरो ऑफ इंडियन आर्मी। तो आइए और भी बातें आरजेएस वाणी और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए। नमस्कार, मैं उदयवीर सिंह यादव जयपुर से।
मेरी फिल्म उदयवीर रियल इंडियन आर्मी हीरो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है और ये फिल्म 18 जनवरी 2021 को दिखाई जाएगी। मैं आरजेएस मीडिया सकारात्मक मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी खबर को हाथों हाथ लिया और मेरी जो फिल्म है इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फिल्म भी रिलीज हो चुकी है और एक बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म है। उदयवीर सिंह यादव के ऊपर ये एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। उदयवीर इंडियन आर्मी में थे और सेना में सेवा के दौरान उनके दोनों पैर चले गए। पैर जाने के बाद में उदयवीर को घर भेज दिया गया। घर आने के बाद में उदयवीर ने 3 विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और एक बैंक में नौकरी प्राप्त की। कठिन संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए उदयवीर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और ये फिल्म काफ़ी मोटिवेशनल है, आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उदयवीर का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको हर एक परिस्थिति का डट करके मुकाबला करना चाहिए क्योंकि हर रात के बाद में एक सवेरा होता है। मेरी सभी से गुजारिश है कि आप इस उदयवीर रियल इंडियन आर्मी हीरो फिल्म को देखो, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। मैं एक बार पुनः आरजेएस मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को ये सॉल्यूशन दिया। जय हिंद। जी हाँ, तो उदयवीर सिंह यादव जी ने ये वीडियो साझा किया और आप तक हमने पहुंचाया और आप जानते हैं कि आप भी अपनी वीडियो को भेज सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी आ जाती है और आप स्वयं उसमें बोलेंगे, आपका चेहरा दिखेगा, तो उसको दिखाने में हम लोगों को कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन इसको अगर आप शेयर करते हैं इस चीज़ को, तो उदयवीर जी जो जो कि इंडियन आर्मी के द रियल हीरो हैं और दोनों टांग कट जाने के बावजूद भी, दिव्यांग हो जाने के बावजूद भी, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और 3 विषयों में MA करने के बाद बैंक में वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो ऐसे जांबाज पर जो फिल्म बनी है और वो 18 जनवरी को दिखाई जाएगी, जयपुर जो फिल्म फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसमें दिखाई जाएगी। तो इस तरह के लोगों की जीवन से हमें जो निराश हो जाते हैं लोग, उनको एक सबक भी मिलता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को अपने अपने परिवारों तक भेजिए, क्योंकि आपका बच्चा हो सकता है कि डिप्रेशन में रह रहा हो, उसको लग रहा हो कि ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। देखिए, जिस जवान का दोनों टांग कट जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी क्या हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। लेकिन ये उदयवीर जी जो हैं वो खड़े हुए, 3 विषयों में MA किया और बैंक की नौकरी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अपना जीवन जो है कॉन्फिडेंस के साथ, जो आत्मविश्वास ज़िंदगी में ख़त्म हो जाती है डिप्रेशन के बाद, उसको इन्होंने दूर करके अपने चरित्र का भी निर्माण किया और समाज में एक स्तंभ की तरह खड़े हैं और समाज में मान इज्जत भी मिल रही है। इनकी फिल्म लोग देखेंगे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जयपुर में होने वाली है। तो ये चीज़ें आप अगर शेयर करते हैं, देखिए अच्छी बातों को शेयर अपने और अपनों तक करें, क्योंकि आप अगर सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़े हैं तो आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज पॉजिटिविटी। लेकिन आपके ही अपने जो हैं, उन जिनके साथ आपको ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके साथ मिलना होता है, उन्हें तो नहीं पता है ना, तो वो तो अपने ही हिसाब से चलते हैं, अपने ही हिसाब से वो चलते हैं। हो सकता है आपका नुकसान भी कर दे वो, क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, है? तो इसलिए इसको शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि देखिए सब कुछ खोने के बाद भी इंसान अगर आशा रखता है, जीवन एक आशा पर ही आधारित होती है, तो वो आपके लिए भी सकारात्मक होंगे, आपके ही रिश्तेदार। तो उन तक ये शेयर करने की, आप लोग अपने अपने ग्रुपों में इस फेसबुक लाइव को अगर शेयर करते हैं तो आप सकारात्मक व्यक्ति हैं। ये सकारात्मकता की पहचान है, क्योंकि सिर्फ आपने इस सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़कर उसका जो बेनिफिट मिल रहा है, उसके जो आपकी मानसिक जो स्थिति है वो बेहतर हो रही है, तो क्यों दूसरों को नहीं होनी चाहिए? ये तो फैसला आपका है, इसलिए सकारात्मक भारत आग्रह की वस्तु है।
ये ज्ञान, ये शब्द, ये आपको अपने लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। सकारात्मक भारत वही है। अब आपका माहौल अगर सकारात्मक नहीं होगा तो आपके सकारात्मक बन जाने से क्या हो सकता है। मान लीजिए आप ड्राइविंग लेन में जा रहे हैं लेकिन माहौल इधर से उधर जिगजैग ड्राइविंग हो रही हो, ड्रिंक एंड ड्राइविंग हो रही हो, गलत दिशा से आकर आपसे कोई टकरा गए, आप क्या कर लेंगे। तो माहौल को, भारत के पूरे माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए दो कदम आप भी चलिए। आरजीएस पॉजिटिव मीडिया जिस तरह से ऐसे ऐसे लोगों को ला रहा है और अपने महापुरुषों को याद कर रहा है, आपको यहाँ पे जयंतियों के माध्यम से हम लोग उनको याद कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि को याद कर रहे हैं, भारत की जो घटनाएं हैं, क्या आपके बच्चों तक ये चीजें नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन पहुंचेंगी कैसे, आप कुछ दो कदम आगे चलें, आपके एक उंगली के क्लिक से ये चीजें पूरे भारत में पहुंच सकती हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अगर वो उतने मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर 2000-5000 हर फेसबुक पे होते हैं वो फेसबुक पे शेयर कर दिए, ये अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दिए उसको, तो ये आग्रह की वस्तु है। सकारात्मक भारत अपने लिए है, ये आपका ही स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक दोनों को दुरुस्त रखने के लिए और आपके अपनों का स्वास्थ्य दुरुस्त रखने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए इन चीजों को आपको शेयर करना चाहिए। शेयर करने से वो ज्ञान, वो चीजें जो आपकी हैं, जैसे उदयवीर जी की हैं, जैसे रवि मौर्य जी की हैं कि उन्होंने सासाराम में सावित्री बाई फूले की जयंती मनाई, और भी तमाम लोग मना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने वीडियो भेजा है उसको शेयर किया गया है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने अध्यात्म की जो अलख जगाई है आरजीएस के अंदर, वो ग्रुपों में जाता है, लोग उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और उससे कुछ ना कुछ सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए, जो अच्छा लगे उसको हमें अपना लेना है। और सकारात्मक विचार यही है कि हम सभी विचारों का स्वागत करें। टिक्का टिप्पणी नकारात्मक करने से कोई फायदा नहीं होना होता है। पहले तो मतभेद होगा और मतभेद होने के बाद वो मनभेद में भी बदल सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसलिए सभी विचारों को आप सुनिए और उन विचारों पर अपने जज कीजिए, सबकी सुनिए और अपनी खुद की मन की कीजिए। यही है फिलॉसफी कि क्या अच्छा है आप जानते हैं, अगर बुरा करेंगे तो आपका दिल जो है गवाही नहीं देगा, आपकी आत्मा कचोटेगी, तो आप समझिए कि ये बुरा काम है, इसको नहीं करना चाहिए। तो अच्छे अच्छे काम करते रहिए और अच्छे लोगों से संबंध बनाते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नकारात्मकता को नकार दीजिए। जैसे सड़ा हुआ आलू है, आप जानते हैं कि वो बगल के आलू को भी, और जो सड़ जाती है मछली, एक मछली सड़ जाती है तो वो पूरे तालाब के बदबू फैला देती है। तो उसी तरह से नकारात्मक व्यक्ति होते हैं, जो नकारात्मक पोस्ट आप फेसबुक पे देखें वो काम नहीं करेंगे कुछ, लेकिन नकारात्मकता फैलाते रहेंगे, वो सड़ी हुई मछली की तरह हैं, और उन मछलियों से ही इस भारत के तालाब गंदा हो रहा है। इसलिए गांठ बांध लीजिए कि भारत का माहौल जब तक सकारात्मक नहीं होगा, सारे राज्यों को मिलकर, केंद्रशासित प्रदेशों को मिलकर, ये जो भारत भूमि, भौगोलिक भूमि बनी है, उसका एक ही चीज़ है कि हम भारत के लोग हैं, और वहीं पर सकारात्मकता फैलाने की ज़रूरत हम लोगों को अपने लिए ज़रूरत है। अब हम लोग स्वयं ही इन चीज़ों को फैलाएंगे, तो शेयर कीजिए। ये जो कुछ भी आप तक यहाँ पहुँचाया गया है उसको आप शेयर करेंगे। अब आप जिस सकारात्मक महाआंदोलन के पंच स्तंभ क्या कहते हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, कहते हैं पहला विशुद्ध सतोगुण सकारात्मकता। अब इसको आप लोग समझिएगा, बहुत क्लिष्ट हिंदी है, विशुद्ध सतोगुण सकारात्मकता। और दूसरा है सत सत गुण विशुद्ध सकारात्मक सोच, और सत तम गुणी सकारात्मक संघर्ष है, तमोगुणी के साथ भी संघर्ष, सात रजगुण सकारात्मक चेतन शक्ति, और सकारात्मक भारत निर्माण इससे होगा। और ये जो अध्यात्म की बातें हैं इस पर मनन करेंगे तो आप कहीं से कहीं पर पहुंच सकते हैं। और अब जो है हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं कि आप क्या सोचते हैं, इसको शेयर जरूर कर दिए, और जो लोग देख रहे हैं वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फेसबुक पर शेयर किया जाएगा, ग्रुपों में शेयर किया जाएगा, यूट्यूब पर लगाया जाएगा, और साथ में ये अपने आरजीएस के 19 ग्रुपों में शेयर किया जाएगा। तो जो कमेंट करेंगे, जो लिखेंगे अपने कोई भी विचार, तो वही वहाँ पे रहता है, लेकिन जो लोग सिर्फ वाच करते हैं
उनका कोई यहां नामो निशान नहीं रहता है, तो आप सकारात्मक भारत आंदोलन से अलग हो जाते हैं, आपका कोई नहीं आएगा, ना तो आपका नाम बोला जाएगा। तो इसलिए कमेंट दो शब्द आप लिख सकते हैं, कोई बात आप चाहें तो। तो धन्यवाद, जय हिंद बिंदा जी और रोहित श्रीवास्तव जी, जय हिंद आप सबों को। कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग दो शब्द के कमेंट करें। पारसार्थी थपलियाल जी ने वो बता दिया, देखिए देश को एक दिशा जो है वो मिल गई है कि सावित्री बाई फुले 1831 3 जनवरी को जो जयंती मनाई जा रही है वो 191वीं है, 191वीं है, बहुत जगह 190 कह रहे हैं लोग, तो वो एक क्लैरिफिकेशन हम लोगों की तरफ से ये दिया गया इस फेसबुक लाइव में। कुछ लोग अभी भी देख रहे हैं लेकिन उनके कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंजूसी न करें, और आरजेएस ग्रुप में भी वो जुड़े हुए हैं, और अगर कमेंट नहीं करते हैं आप तो ये नेगेटिविटी जो है वो आप लोगों के मुबारक हो। हरीश कुमार शर्मा जी ने लिखा है वंदे मातरम। जी हाँ, हरीश कुमार शर्मा जी शिक्षक हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं, अपने दादाजी की स्मृति में इन्होंने हरियाणा के पंडित लक्ष्मी चंद जो कि लोक गायक रहे हैं, आपको रागिनी हरियाणा में लोक गायक गायन है रागिनी गायक, तो लक्ष्मी चंद जी के नाम पे ये अवार्ड घोषित किया है उन्होंने। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग देख तो रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपका नाम कहीं भी शेयर नहीं हो सकता है, तो आपका जो यह है देखना, जैसे संतोष झा जी ने लिखा जय हिंद, बस इतने लिख देना है और आप कोई भी संबोधन कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, और नमस्कार का जवाब नमस्कार से तो आप देंगे। मैं आपको जय श्री राम कहता हूं, मैं आपको वंदे मातरम कहता हूं, मैं आपको वालेकुम सलाम कहता हूं, मैं आपको तमाम तरह के जो संबोधन होते हैं सभी धर्मों में वो सारे चीज आपको मैं पहुंचा रहा हूं। नरेंद्र टटेसर जी ने लिखा वंदे मातरम, संतोष झा जी ने जय हिंद, और सुमन कुमारी जी ने नमस्ते किया है। सुमन कुमारी जी आपको भी नमस्ते, ये सब आरजेएस फैमिली की तरफ से। और जो लोग जुड़ना चाहें आप देखें वहाँ पे मोबाइल नंबर टेक्स्ट किया गया है आरजेएस के ग्रुपों में जुड़ने के लिए, राज्य वाइज जो है वो किया जा रहा है, तो अपना राज्य का नाम और अपना नाम भेज दें आप, तो आपको आरजेएस के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सकारात्मक भारत महाआंदोलन तेजी से चल रहा है, बहुत सारी चीजें उसमें साझा की जाती हैं, आपको जनरल नॉलेज की भी चीजें और जो जानना चाहिए जो जो ये समाचार होते हैं उसको भी साझा किया जाता है। और सुशील खन्ना जी ने लिखा है पोस्ट बता देते हैं, सुशील खन्ना जी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के संयोजक हैं। भ्रष्टाचारियों ने शमशान घाट को भी नहीं बख्शा, आज सुबह 11 बजे मुरादनगर शमशान घाट में 65 वर्षीय जय राम जी का अंतिम संस्कार करने से पहले जैसे ही 2 मिनट का मौन रखा उसी वक्त शमशान घाट का लेंटर गिर गया, ओहो, जिसमें 23 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 15 लोग जख्मी हो गए। बता रहे हैं मुरादनगर और स्टेट का नाम नहीं दिया गया है सुशील खन्ना जी, ये मुरादनगर कहाँ पर है, मुरादनगर यूपी, मेरे ख्याल से यूपी की बात कर रहे होंगे। और देखिए कितनी भयानक घटना है, लेंटर गिर गया, 23 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 लोग जख्मी हो गए। बताइए ये जो चीज़ें हैं, ये नकारात्मक निर्माण हुआ है, ये नकारात्मक निर्माण हुआ है, 23 लोगों की जान ले लिया, 15 लोग जख्मी हैं। तो सुशील खन्ना जी ने ये जानकारी दी है, और देखिए ये चीज़ यही नकारात्मकता, इसी को दूर करने का जो सकारात्मक भारत आंदोलन है, इसलिए ज़रूरत है सकारात्मक भारत आंदोलन की, जो सकारात्मक होगा इंजीनियर और ठेकेदार, और देखिए उसको बख्शना नहीं चाहिए, लिंटल किसी भी वजह से गिरी हो लेकिन कम से कम आगे आने वाले जो निर्माण कार्य में लगे हुए लोग हैं वो लोग भारत का विनाश कर रहे हैं। एक तो शोक में गया है वहां पे सारे लोग जो है शमशान घाट में गए हैं, और लेंटर गिर गया उस शमशान घाट का, बताइए 23 लोगों की मृत्यु, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ा हादसा है, 23 लोग कम नहीं होते हैं, और 15 लोग जख्मी हुए हैं।
सुशील खन्ना जी, निश्चित रूप से ये सकारात्मक भारत आंदोलन की आज बहुत जरूरत है, इसलिए कहा जा रहा है कि कम से कम सकारात्मक शब्द उन ठेकेदारों और समाज के भी ठेकेदारों के पास पहुंचे और उन तमाम लोगों के पास पहुंचे जो 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 इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसके लिए आपका एक बटन जो है क्लिक कीजिए, आप उसको शेयर कर दीजिए, शेयर करेंगे ये चीज़ें वहां तक पहुंचेगी, उनको भी समझ में आएगा कि कुछ तो सकारात्मक चीज़ें हैं और जिंदगी में कुछ नहीं लेके जाना है लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें कुछ लेके नहीं जाना है। अपने जीवन यापन करने के लिए अगर आपके पास पर्याप्त है तो आप अगर खाना खा रहे हैं आप और ज़्यादा खाना खा लेंगे शरीर फट जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, तो खाना उतने ही खाना चाहिए, ये भी एक तरीका है। और बता दें, गांधी जी की याद आती है इस वक्त में, जब साउथ अफ्रीका में थे तो वो तो बैरिस्टर थे, वो तो उनको जो भी भेजता था तो एक बैरिस्टर का रहन सहन आप जानते हैं ना जिस तरह का होता था उस वक्त, उन्होंने अंग्रेजों को देखा था, तो गांधी जी को भी उतने ही पैसे भेजा उन्होंने कि भाई आप कंफर्टेबल तरीके से रहेंगे, तभी तो जो गिरमिटिया मजदूर वहां पर थे उनका केस लड़ने के लिए वो गए थे। तो एक बैरिस्टर को जो पैसा मिलता था, गांधी जी ने कहा हमारा जो खर्चा है वो इतना ही है, आप ये बाकी पैसे और किसी काम में रखिए, हम इतने में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। गांधी जी बहुत ही सादा जीवन और उच्च विचार के रहे हैं, आप उसका पढ़े तो सही, मैंने पूरी किताब पढ़ी है गांधी जी की पूरी, उसमें जीवनी है, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। और जब पढ़ेंगे नहीं आदमी तो किसी तरह का परसेप्शन भी बना सकते हैं गांधी जी कैसे थे, गांधी, अरे हर महापुरुष में जो अच्छाई है उसको ग्रहण करने में क्या दिक्कत है, आपको लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है आप उसको मत ग्रहण कीजिए, लेकिन विचारों का प्रवाह तो बने रहना चाहिए और आरजेएस में विचारों का प्रवाह है। अगर सरकार की बात करते हैं तो उसमें जनता की भी बात करते हैं, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना ही सकारात्मकता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए तो फिर तो हम पार्टियों के लोग हो गए और गले में जैसे पार्टियों का पट्टा बन जाता है और फिर हम वही राग अलापने लगते हैं, अपने आत्मा से नहीं बोलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो एक ये विडंबना टाइप की चीज़ें हैं, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। और देश हित में अगर काम करते हैं यही सकारात्मकता है, यही जय हिंद है, यही प्रथम राष्ट्र है, ये राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम यही है। तो आपने ऐसी चर्चा छेड़ दी, यही हम चाहते भी हैं। आरजेएस क्या क्या है, विचार क्रांति है, आरजेएस एक विचार क्रांति है, नाम राम जानकी संस्थान है, राम जानकी संस्थान है, नाम नाम है लेकिन उसमें सभी लोगों का स्वागत है, सभी राज्यों के, पूरे भारत, भारतीय अगर आप कहते हैं आपका स्वागत है। अभी हम लोगों ने भौगोलिक रेखा बनाई है, वैसे तो वसुधैव कुटुंबकम, जो हम लोगों के ऋषि मनीषी लोग बता गए उन्हीं वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, कहीं भी हिंसा न हो, अमन चैन सुख शांति हमारे शरीर में भी रहे, हमारे मन में भी रहे, हमारे माहौल में भी रहे और पूरे भारत में रहे, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि पूरे भारत में अगर शांति की कामना की जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसको शेयर करेंगे आप तो आप सकारात्मक हैं, नहीं शेयर करते हैं तो इसका मतलब आपके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि ये कोई काम की चीज़ नहीं है। आपको लगता होगा कि अच्छी बातें, तो हम सीधा कहते हैं कि अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं, अच्छी चीज़ों को आप बढ़ाइए, जो भी चीज़ें इसमें आई हैं उसमें से अगर 1% भी किसी के फायदे की चीज़ हो गई, कोई अध्यात्म को भी समझ गया, वही बहुत काफ़ी है। तो आप लोगों को ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने कुछ लिखा है वो भी आप लोगों तक शेयर कर देते हैं। जैसे कि सावित्री बाई फुले जी की जयंती पे आज सासाराम बिहार में कार्यक्रम मौर्य शक्ति द्वारा किया गया था, तो उसको शेयर किया गया था, उसी पर टिप्पणी, सावित्री बाई जी की जीवनी से प्रेरित संतोष झा ने पारिवारिक और सामाजिक विरोध को नकार करके भारतीय भौतिक संस्थान मुंबई से पढ़ाई करके बिहार पटना से पहली शिक्षित कृत्रिम अंग निर्माता बनी है, पहली कृत्रिम अंग निर्माता संतोष झा जी आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, ओम प्रकाश जी ने ये जानकारी दी है तो बहुत आपको बधाई हो संतोष झा जी। इस तरह की जानकारी देखिए आरजेएस फैमिली में आई है कि बिहार पटना से पहली शिक्षित कृत्रिम अंग निर्माता बनी है, आज मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में निवास करती हैं। और सावित्री बाई फुले को हार्दिक नमन है, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज सावित्री बाई फुले की। अच्छा, संतोष झा जी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने लिखा है कि मैं संतोष झा पुत्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला भारत के पहले महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्री बाई फुले से प्रेरित होकर, अरे वाह, 1996 से
प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोट्रिक्स में AIIPMR मुंबई से डिग्री हासिल किया, तब सभी लोग डिस्करेज करते थे। अच्छा चलिए, तो लोगों को जानकारी नहीं होगी, परिवार के लोग तो हरदम कामना करते हैं कि भाई आप आगे बढ़ें, लेकिन आप तो की महिला थी तो आप जानते हैं कि सावित्री बाई फूले को भी बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, लोग गोबर फेंक देते थे फिर भी वो जाती थी पढ़ाती थी, लोग उनको पत्थर मारते थे फिर भी वो एक एक एक, एक ऐसे वो लोग होते हैं। आप भी उसी कैटेगरी के हैं कि पूरा लोग जो है डिस्करेज करते थे, लेकिन ये फील्ड महिलाओं का नहीं है। जी हाँ, और मैं बिहार की पहली महिला हूँ जिसने ये डिग्री हासिल किया, मैं सकारात्मक महाआंदोलन का धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद आपका भी, जय हिंद जय भारती। निश्चित रूप से आपको वीडियो भेजिए संतोष झा जी, उसको शेयर किया जाएगा, यूट्यूब पर भी लगाया जाएगा, और हम लोगों के लिए गर्व की बात है संतोष झा जी। ये देखिए, कोई देर नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। भारत में इस चीज को स्थापित करने के लिए आज इस पॉजिटिव मीडिया पर आप विश्वास करें, आपके जो भी सकारात्मक कार्य होंगे, जहां भी सकारात्मक कार्य होंगे, उसकी वीडियो आप लोग साझा कीजिए। हम विशेष फेसबुक लाइव भी लेकर आ सकते हैं बीच में, वैसे संडे सैटरडे को तो आप निश्चित मानिए, संडे सैटरडे को कोशिश ये रहेगी कि हम लोग 7 बजे निश्चित रूप से जुड़े। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन हमारी अपील को नजरअंदाज कर रहे हैं कि आप भी कुछ लिखिए, आपकी विचार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने आप लोगों का साधुवाद कि आप जुड़े हैं, आप जुड़ गए हैं, और जुड़ने के बाद अपनी प्रेजेंस जो है वो यहां पर दिखाइए। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इसके बाद ये फेसबुक लाइव की रिकॉर्डिंग तमाम ग्रुपों में भेजी जाती है, वहां पर आपका नहीं जा पाता है कि आपने भी सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन दिया है। इसलिए जरूरी मैं मानता हूं आपके लिए कि आप अपना कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिख सकते हैं, वो कोई ऐसी विचार आपके मन में आ रहे हो। देखिए, हम लोग तो जो शमशान घाट में घटना घटी, सुशील खन्ना जी ने जो शेयर किया अभी, उसके बारे में तो चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन उस पर कितनी बड़ी चर्चा हो गई, और इस तरह की नकारात्मक जो माहौल है, नकारात्मक जो दिमाग है लोगों का, वो जो है खत्म होना चाहिए, उस पर चर्चा जरूरी है। और ये घर घर के लिए, हर व्यक्ति और संस्थाओं के लिए है, आप ऑफिसेज में कार्य करते हैं, अपने ऑफिसेज में भी पॉजिटिविटी की चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये शब्द अगर आपने अपने माहौल में पहुंचा दिया तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो नकारात्मक बन के दिखाएगा, आपका ही माहौल सुधरेगा। तो इस चीज को अपने अपनों तक भेजने का प्रयास जारी रखिए, क्योंकि एक फेसबुक लाइव जो है सिर्फ फेसबुक लाइव नहीं है, बल्कि ये एक फेसबुक लाइव शो है, एक शो की तरह, और डेडिकेशन के साथ जो है वो किया जाता है। और 109वीं फेसबुक लाइव में आप जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डेडिकेशन है। पूरे देश भर में आरजेएस के जो बैठकें हुई हैं वो 134 फिजिकल बैठकें हुई हैं, और लोगों ने की हैं, इसको स्वेच्छा से की हैं, और हम लोगों ने स्वेच्छा से समर्थन दिया है सकारात्मक पत्रकारिता के अंतर्गत, बुनकरों को या कारीगरों को या जो हस्तशिल्पी हैं उनको, ट्रेड फेयर हो या सूरजकुंड मेला, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला होता है उसमें जाकर, पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला, उन सबको हम लोगों ने स्वैच्छिक समर्थन किया है। हम लोग समर्थन करते हैं हार्ट केयर फाउंडेशन द्वारा लगाए गए जो परफेक्ट हेल्थ मेला है, उसका भी स्वैच्छिक समर्थन करते हैं। और जो लोग वीडियो भेज रहे हैं, आपने देखा जिन लोगों ने वीडियो भेजा, उसको यहाँ पर साझा किया गया है। तो आप भी एक कदम आगे बढ़िए, 2 मिनट आपके हाथ में मोबाइल है और वो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन जो आपका मोबाइल है उसकी रिकॉर्डिंग करते वक्त एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि वो पैरेलल हो, इस तरह का, आपको एक बार अगर यहां से देख रहे हैं तो इस तरह से रिकॉर्डिंग कीजिए, इस तरह से नहीं, अपने मोबाइल को इस तरह से हॉरिजेंटल नहीं, आप ऐसे कर लें, जो लंबा वाला पोर्शन है वो सामने रहना चाहिए, और रिकॉर्डिंग कहीं भी रख के, हाथ में भी रख के, आजकल तो सेल्फी का चलन है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, अपने विचार को भारत तक पहुंचाइए। हम लोग तैयार हैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी जो है, खास करके वीडियो को इसलिए आमंत्रित किया जा रहा है क्योंकि वीडियो से ऑथेंटिसिटी हो जाती है। आदमी कॉपी पेस्ट तो कहीं भी कुछ भी कर देगा, लेकिन जब वीडियो बनाएगा तो वो उसका चेहरा सामने आएगा, तो वो एक ऑथेंटिसिटी के लिए ऐसा प्रमोट किया जा रहा है, और टेक्स्ट को डिस्करेज किया जा रहा है, ये जरूरी है, क्योंकि लेटर पैड पे तो आप लिखेंगे नहीं,
और वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है सकारात्मक पत्रकारिता के लिए, वो ज़रूरी है। सिलेक्शन किया जाएगा, आपकी वीडियो को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि आप अपनी प्रेजेंस, क्योंकि इतिहास आरजीएस का इतिहास बन चुका है। मैं आपको बताता हूं कि आरजीएस ने ही 2007 से शुरू किया था ये पॉजिटिव इंडिया का कैंपेन। 2007 से 2009 तक इसका बीजारोपण किया गया था, क्योंकि बीज नहीं होगा तो फल कहां से आएगा, पौधा बीज और फिर पेड़। तो अब तो आप पेड़ देख रहे हैं, लेकिन इसका बीजारोपण 2007 में किया गया था दिल्ली के अंदर, और 2009 तक उसका बीजारोपण जो है वो धीरे धीरे पौधा बना। 2015 से बकायदा वो पौधा जो है लहलहाने लगा और आज तो ये वट वृक्ष बन चुका है। 25 राज्यों तक के लोग जुड़े हुए हैं, तो आप समझिए कि गाहे बगाहे इस चीज को लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये जरूरी है, और अलग अलग राज्यों के ग्रुप बन गए हैं। तो इसलिए आप अपने नंबर को अगर शेयर करते हैं, हमारा नंबर उसमें डिस्प्ले किया हुआ है जिस लिंक से आप जुड़े हैं, तो वहां से नंबर लेकर आपको केवल व्हाट्सअप करना है, नाम लिखना है और अपने स्टेट का नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे कोई ये नहीं है। आप ग्रुप में आएंगे, ग्रुप में देखेंगे अपने आप, अपनी पहचान आप स्वयं बनाएंगे, लेकिन हम लोग आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और ग्रुप का विस्तार जो है किया जा रहा है। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने एक ही दिन में 100 लोगों को जोड़ दिया, ये कितनी बड़ी सकारात्मकता, इसको तो मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं, कितनी बड़ी है ये सोच, एक ही दिन में 100 लोगों को। हाँ, 2-4 लोग जो हैं वो लेफ्ट भी किए हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है। हम तो अपने घर में पूरे भारत को आमंत्रित करना चाहते हैं ना, हम लोगों का आरजीएस फैमिली का जो परिवार है उसमें पूरे भारत के लोगों का, हर किसी मजहब का, हर किसी राज्य का, हर किसी का स्वागत है। हम भारत के लोग, हालांकि कुछ लोग विदेश से भी जुड़े हुए हैं, और अच्छी बात है विदेश से भी जुड़े हैं, अच्छी बात है, अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप यहां कमेंट जरूर करेंगे, आप अपना समर्थन तो दिखाएंगे ना कि हाँ मैं समर्थन करता हूं सकारात्मक भारत आंदोलन का, क्योंकि हम लोग किसी और के लिए नहीं, अपने और अपनों के लिए कर रहे हैं। आप हमारे अपने हैं, इसलिए इतनी एनर्जी, इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी आप लोगों को आमंत्रण दिया जाएगा, राष्ट्रीय कार्यक्रम दिल्ली के अंदर होगा। आप जानते हैं कि अब मास्क लगाकर कार्यक्रम करने का क्या फायदा है, मास्क लगाकर अगर कार्यक्रम हम लोग करेंगे तो न तो वहां पे मिल पाएंगे, न तो गले मिल पाएंगे। तो आरजीएस फैमिली का वो पक्ष जो होता है, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, फैमिली आएंगे, बच्चे भी आएंगे, आरजीएस स्टार फैमिली अवार्ड होता है आरजीएस का, आरजीएस स्टार फैमिली अवार्ड, हस्बैंड वाइफ को अवार्ड देने की परंपरा जो है ये पहली बार शुरू की गई 2017 में, और वो पत्रकारों की फैमिली को देकर शुरू की गई थी। पहली बार एक प्रयोग किया गया था, 10 पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, एक किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, 9 पत्रकार उसमें आए थे, अपनी फैमिली के साथ आए थे, बच्चों के साथ आए थे। तो ये भावना क्या आप तक नहीं पहुंच रही है, तो इसको शेयर करेंगे तो ये सारी भावनाएं जो हैं वो क्लब होकर आपको किताब के अंदर आ जाएंगी, वो किताब आपके ड्रॉइंग रूम की शोभा बढ़ेगी। और जितने भी आरजीएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है और जितने अवार्डी होंगे उनके घर में एक बहुत बड़ा प्रशस्ति पत्र जो है वो ड्राइंग रूम की शोभा बनेगी, उसमें उनके पूर्वजों के फोटोज लगे रहेंगे, स्वयं उनका फोटो लगा रहेगा और महापुरुष का फोटो लगा रहेगा। कोई भी बच्चा आएगा, कोई भी गेस्ट आएगा, वो देखेगा ये कौन है, अच्छा तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अच्छा अच्छा ये अच्छा। किसी के घर में लगेगा जो प्रथम गृह मंत्री आप जानते हैं सरदार पटेल साहब, उनका देखेगा, स्वामी विवेकानंद का देखेगा, स्वामी दयानंद जी का देखेगा, तो इस तरह की चीजें हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अच्छा ये कौन थे, अब तो पूरी इतिहास उनके बारे में आप भी जानते होंगे, आप बताएंगे बच्चों को। तो ये जो देश के साथ कनेक्ट करने का जो काम है वो आचरण में आ चुका है आरजीएस के। ये भारत का पहला ऐसा आरजीएस जो संगठन है उसने 5.5 साल तक, 2007 से हम नहीं जोड़ रहे हैं, 2015 से जोड़ रहे हैं, और 5.5 साल तक ये सकारात्मक भारत अभियान, मिशन, आंदोलन और अब महाआंदोलन 1 जनवरी, ये अंग्रेजी नववर्ष, देखिए शब्दों का सिलेक्शन देखिए, अंग्रेजी नववर्ष 1 जनवरी से लेकर भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 13 अप्रैल तक आरजीएस सकारात्मक भारत महाआंदोलन, उसको मास मूवमेंट अंग्रेजी में आप, और इसी मास मूवमेंट के दरमियान जो है कई तरह के कार्यक्रम जो है शेड्यूल किए गए हैं। 9 और 10 की जानकारी देना चाहेंगे, जैसे पार्थ सारथी थपलियाल साहब अभी जुड़े हुए, वो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सुपरिचित वक्ता हैं, चिंतक हैं और लेखक हैं, और रेडियो ब्रॉडकास्टर दिल्ली के अंदर
में रहे हैं, अब सेवानिवृत्त हैं, और अपने अनुभवों के साथ वो तैयारी कर रहे हैं दो दिन आरजीएस फैमिली को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके अंदर जो जो ऊर्जा है, छिपी हुई प्रतिभा है, हर आदमी के अंदर होती है, लेकिन वो प्रतिभा उजागर कैसे होगी? केवल हम सकारात्मक सकारात्मक करेंगे तो क्या वो उजागर हो जाएगी? हमने कहा कि इसको आप शेयर कर दीजिए, एक क्लिक के बटन से आप शेयर कर सकते हैं, क्या आपने किया? तो सकारात्मकता ये इतनी आसान चीज नहीं है। जैसे अहिंसा जो है वो हिंसक लोगों से ताकतवर होती है, अंग्रेजों को भगाने में भी इसका मदद था, लेकिन गरम दल के लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की कुर्बानी, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी भी उतनी ही क्रेडिट देना है जितना ये नरम दल के लोगों को क्रेडिट देना है। सबने जेलों में रहकर 10-10 साल जेल काटना आसान काम है क्या? अब तो भारत में खुशहाली होनी चाहिए, अब तो भारत में सभी को खुश होना चाहिए और खुशहाली के लिए सरकारों और सत्ता को काम करना चाहिए, लेकिन सरकारें और सत्ता अगर नकारात्मक हो जाएंगी तो फिर क्या कैसे काम चलेगा? तो ये आप हैं, समाज नीति लेकर आएंगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो धन संग्रह करते हैं, उस धन संग्रह की सुरक्षा के लिए, उस धन संग्रह जो करते हैं आप, वो सुरक्षित नहीं रहेगा अगर नकारात्मक माहौल के अंदर आपका आपकी अगली पीढ़ी रहेगी जिसके लिए 7 पुश्तों के लिए लोग जमा करते हैं। सकारात्मक पॉजिटिव वेव्स भारत के अंदर आने से ही सभी राज्यों के लोग सुखी रहेंगे, नकारात्मकता से नहीं रह सकते हैं। और इसका समर्थन और सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, सब मान चुके हैं। 5.5 साल से ये चल रहा था, अगर समर्थन नहीं मिलता तो ये तो धराशायी हो जाता, लेकिन बच्चे से लेकर और तमाम बुजुर्ग वरिष्ठ और महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए ना, कितने बड़े क्राइम कंट्रोल हो सकता है। आपके घर की बहुएं हो सकती हैं, आपकी बेटियां हो सकती हैं, वो निर्भय होकर भारत में घूमें, विदेश से आए हुए पर्यटकों को लगे कि अरे भारत में इस तरह की चीजें हैं। तो हमारे बच्चों के अंदर कितनी जरूरत है सकारात्मक फैलाने की, सकारात्मक भारत बनाने की कितनी जरूरत है ये नई पीढ़ियों को, इसलिए इतनी एनर्जी लगाई जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मंत्र मिल गया है। ये आरजीएस के माध्यम से जो है पूरे भारत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, उसमें बुजुर्गों को जो अपने पूर्वज हैं, जो अपने दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी स्मृति में हमारे आरजीएस फैमिली के भेंटकर्ता आगे आ रहे हैं और महापुरुषों को वो सम्मान उनके नाम पर घोषित कर रहे हैं। तमाम तरह के अवार्ड जो हैं वो भेंटकर्ताओं ने घोषित किया है, तो देश भी कनेक्ट हो रहा है, आपका परिवार भी कनेक्ट हो रहा है। तो इससे बड़ा अनूठी पहल भारत में इतने बड़े पैमाने पे आज तक नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आरजेएस ने किया है, राम जानकी संस्थान ने किया है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा, और इसलिए इतनी एनर्जी लगाई जा रही है कि हम लोग संडे और सैटरडे को 7:30 बजे मिलते हैं, लेकिन अब 2:30 बजे हम लोग 9 जनवरी शनिवार और 10 जनवरी रविवार को मिलेंगे, 2:30 बजे से मिलेंगे, और छोटा सा लाइव जो है 7:30 हम लोग करेंगे, लेकिन 2:30 बजे शनिवार और रविवार जो है 9 और 10 जनवरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2:30 बजे से सेशन होगा, 2 सेशन होगा, जिसमें पारसार्थी थपलियाल साहब जो है वो पहले अपनी स्पीच करेंगे, इसमें सानिध्य रहेगा जो आरजेएस के जो प्रेरणा स्रोत हैं श्री रामजग सिंह जी, वो उपस्थित होंगे, और आरजेएस के जो ऑब्जर्वर हैं दीप माथुर जी वो उपस्थित होंगे, और तमाम जो आरजेएस सूचना केंद्र में जिन महिलाएं, 11 राज्यों की महिलाएं आरजेएस की सूचना केंद्र में शामिल हैं, वो सभी महिलाएं शामिल होंगी, उनके परिवार शामिल होंगे, और इसके साथ साथ अन्य जो राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है वो सबको आमंत्रित किया गया है। और इसके अलावा ग्रुप में भी ये लिंक आज भेज दिया गया है, आप अगर देखेंगे तो आज 9 और 10 जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है उसको नाम दिया गया है ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, मतलब सकारात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए। पहले दिन तो बारसार्थी थपलियाल साहब अपनी स्पीच के द्वारा वो बताएंगे अपने अनुभवों को, और साथ में वो बताएंगे कि सकारात्मकता है क्या, आपकी जिंदगी के लिए किस तरह से फायदेमंद है, आपके बच्चों के लिए किस तरह से फायदेमंद है, कैसे आगे बढ़ना है, और इंट्रोडक्शन होगा, आप लोगों का इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद जो अगला दिन होगा 10 तारीख को, उसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपने क्या सीखा और आगे आप सकारात्मकता के लिए क्या करने जा रहे हैं, यानी वीडियो वगैरह शेयर करने का जो है कि अपने माहौल में आप वीडियो शेयर करेंगे या और क्या करेंगे, वो प्लानिंग आपको बतानी है। उसके बाद 13 अप्रैल समापन होगा सकारात्मक भारत महाआंदोलन का, तो आप सभी को, जो लोग सक्रिय होंगे उन लोगों को प्रमाण पत्र देकर गौरवान्वित किया जाएगा,
और ये बहुत ही उपलब्धि वाला प्रमाण पत्र होगा। इसलिए प्रबोधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, प्रबोधकों बोध बोध कराने के लिए, प्रबोधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसका लाभ उठाइए आप लोग, अपने अपनों के लिए लाभ उठाइए, और जिनको लगता है कि ये बहुत नकारात्मक है उन्हीं को ये लिंक आप भेज दीजिए, वो शामिल होंगे तो दो चार पॉइंट तो उनको भी समझ में आ जाएगी। बहुत नकारात्मकता है और आप नकारात्मक माहौल में अगर रहते हैं तो आपकी अपनी एनर्जी का सही उपयोग नहीं कर सकते हैं, आपके मन में भी वो चीज़ें, संगत से गुण आत है संगत से गुण जात है, इसलिए नकारात्मकता को सकारात्मक बनाने के लिए बहुत ज़रूरत है, नहीं तो नकार देने के लिए ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति हो वस्तु हो कोई भी चीज़ हो। और आइए अजीत कुमार जी वंदे मातरम, नरेंद्र भंडारी जी सर जय हिंद, और जी संतोष झा जी ने धन्यवाद दिया, और आज पहली बार पता लगा कि आरजेएस फैमिली में ऐसे भी महान हस्ती हैं जो कि बिहार में बिहार गौरव हैं ये। संतोष झा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग ध्यान रखेंगे और आपकी वीडियो को भी चाहेंगे कि आप शेयर करें अपने विचारों को। और रोहित श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि 1 जनवरी को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का ओम पुष्णे नमः प्रेरक वीडियो के लिए मैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का ऋणी हूँ। धन्यवाद रोहित जी, रोहित जी श्रीवास्तव जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, और इनको जो प्रेरक वीडियो साझा किया गया था 1 जनवरी को ओम पुष्णे नमः, तो वो बहुत अच्छा लगा था 1 जनवरी को। ऐसे आप लोग भी आरजेएस के ग्रुप में जुड़ेंगे तो हो सकता है कि ऐसी चीज़ें आप लोगों के पास पहुँचेंगी तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और नरेश कौशिक जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है क्योंकि ये आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है और साथ में ये वीडियो भी भेजते रहते हैं, अभी कल इनकी वीडियो साझा की गई थी और 10 जनवरी 2021 को इनका एक दिल्ली के अंदर रक्तदान शिविर है, तो ये इनका कहना है कि एक रक्तदान अगर आप करते हैं तो 3 व्यक्तियों की जिंदगी बचा लेते हैं आप। तो नरेश कौशिक जी श्री श्याम लोकहित समिति के अध्यक्ष हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेश कौशिक जी, आप फेसबुक लाइव में जुड़े हैं और वंदे मातरम जय हिंद लिख रहे हैं और कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन उनका कमेंट नहीं आ रहा है तो वो समर्थन वहां तक नहीं पहुंचेगा। मेरी इच्छा है कि ये समर्थन आप लोगों का उस सभी ग्रुपों में पहुंच जाए जो आरजेएस के 19 ग्रुप हैं और फिर कई जो ग्रुप हैं फेसबुक लाइव के, फेसबुक के ग्रुप हैं उसमें भी पहुंच जाए, तो उसका आपका नाम जो है उसमें डिस्प्ले हो जाए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सकारात्मक भारत आंदोलन को आपने समर्थन किया है, लेकिन हमारी तरफ से आपको धन्यवाद है कि आप लोग जुड़े और दो चार बातें सुने, लेकिन आपके अपने विचार अगर यहाँ पर आते हैं तो सोने में सुहागा की स्थिति होगी। जो आरजेएस से जुड़े हैं लोग वो लोग भी देख तो रहे हैं लेकिन उनका कमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको शेयर करिए, शेयर करने में एक पैसा नहीं लगता है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस मंच का उपयोग करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आपका है, क्योंकि आपको मंच नहीं मिलेगा, आपको अपनी बात कहने का मंच नहीं मिलेगा, लेकिन आरजेएस का पॉजिटिव ये जो फेसबुक लाइव है या फिर आरजेएस का जो चैनल है आरजेएस वाणी है, तो आप समझिए कि उस पर आपकी बातों को शेयर किया जा रहा है, उस पर न्यूज़ बनाई जा रही है, आपके लिए बनाई जा रही है, आपके द्वारा बनाई जा रही है, और ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि आप पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो आरजेएस में जुड़े हुए लोगों से तो हमारा अधिकार है उनसे कहना कि देखिए आप तो आरजेएस ग्रुप में हैं और ग्रुप में सकारात्मकता को नमन किया जाता है और आप यहाँ देख रहे हैं लेकिन आप कोई भी संबोधन नहीं कर रहे हैं, या जो सुन रहे हैं आप अपने दिन भर के, हफ्ते भर के, महीने भर के कोई विचार को 2 लाइन में 4 लाइन में समेट कर यहाँ पर साझा नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कंजूसी है और इसी को इसी नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आरजेएस ने तमाम लोगों को आरजेएस स्टार बनाया है, लेकिन स्टार बनाने का मतलब ये होता है कि हमने तो आप पर विश्वास किया, हम सभी पूरी टीम ने विश्वास किया और मंच पे आके आपका सम्मान किया जाता है, लेकिन आप ने सकारात्मक भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, तो वो जिम्मेदारी जो है अधिकार पूर्वक मैं कहना चाहूँगा कि उन लोगों को जिन लोगों को स्टार बनाया गया है, स्टार मतलब यही होता है रियल स्टार, रियल हीरो कहें आप, फिल्मों के हीरो को हम अभिनेता कहते हैं, अच्छे अभिनेता,
अच्छे अभिनेता हम कह सकते हैं, रील के स्टार हो सकते हैं, रील के, रील मैंने फिल्म की जो रील होती है उसके आप हो सकते हैं, लेकिन वो आप हीरो नहीं है। हीरो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के भी शब्दों में, हीरो वो होता है जो दूसरों के काम आता है, उसके विचार दूसरों के काम आते हैं, उसने कुछ आविष्कार किया तो वो दूसरों के काम आए, तो जिससे कि लोगों का जो है वो जीवन सरल हो। किसी को ज्ञान देना भी, वो अगर समाज सेवी है, किसी को ज्ञान भी अगर आप देते हैं उससे उसकी जिंदगी सुधर जाती है, तो तब जाकर वो जो है ना वो रियल रियल है, रियल स्टार है, रियल रियल हीरो है, वो हीरो उनको कहा जाए, समाज में आदर्श वो स्थापित होना चाहिए। और फिल्मों में जो अच्छा काम करें, अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, उनका अभिनय बहुत अच्छा लगता है। समाज के हीरो आदर्श अपने नई पीढ़ी तक ये पहुंचाने की बहुत जरूरत है कि हीरो वो है जो सादा जीवन और उच्च विचार रखते हैं, जिनके विचारों से समाज में क्रांति होती है, जिन चीजों से समाज को, जैसे खाना किसी ने खिलाया या कंबल बांटते हैं सर्दियों के मौसम में, वो लोग हीरो हैं, वो समाज के आदर्श होने चाहिए। तो इसको स्थापित करने की बहुत ही आवश्यकता है। और नकारात्मकता हमारे अंदर से गई नहीं है, हमारे अंदर सुर और असुर दोनों ही विद्यमान रहते हैं, और अगर हमने उसको दबाकर अपने अच्छाई को बाहर किया, आचरण में लाया, धीरे धीरे कोशिश करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, तो रसरी आवत जातते सिल्पे पत्र परत निशान, तो इस तरह से हमें कोशिश करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप समर्थन देते हैं तो आपका नाम ग्रुप में जाएगा कि आप इसके हिस्सेदार थे, आप इसके भागीदार थे, आपकी भागीदारी में, आपके समर्थन से ये फेसबुक लाइव हुआ है, आपके विचार उन तक जाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो ये भी आपकी नकारात्मकता जो है वो कहीं ना कहीं देश और समाज के लिए अच्छी नहीं है। यहीं से शुरुआत कीजिए कि जो अच्छी बातें हो रही हैं, ये शब्द किसी बच्चे के पास चली जाए उसका तो पूरा जीवन ही सुधर जाएगा, क्योंकि वो क्लास में और अपने टीचर के साथ, आप देखते हैं बच्चे जो हैं टीचर को पीट देते हैं, या टीचर जो हैं वो बच्चों को हरास करते हैं, पीड़ित करते हैं, ऐसे भी टीचर हैं। देखिए दोनों पक्षों में कमियां कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो टीचर सकारात्मक होगा, सकारात्मक विचारों वाला होगा, अगर वो विद्यार्थी जिसका काम है विद्या अर्थी, अगर विद्या के प्रति वो कोशिश करेगा तो वो तेज बनेगा, अच्छा बनेगा। तो आपका ही परिवार सकारात्मक बनता है तो आप ही के परिवार में वो चीज़ें आएंगी, अच्छाई आएगी, बुराई दूर भागेगी, असत्य पर सत्य की विजय होगी, अधर्म पर धर्म की विजय होगी, बुराइयों का नाश होगा। तो बुराई को नाश करने के लिए आगे आने में क्या दिक्कत है? और जानते हैं लोग मर्डर कर देते हैं, अपराध कितने बढ़ जाते हैं, वो क्यों होते हैं? बदला ले लेना, नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे, आपको बदला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आए दिन जो टकराते हैं तो वो टकराव तो होगा ही नहीं, इसीलिए कोशिश कीजिए कि नकारात्मक व्यक्ति है उससे दूर रहें, दूर से ही सलाम कर दीजिए, लेकिन उससे अपने सगे संबंधी छोटे हो कम हो, आरजेएस फैमिली छोटी हो, हम तो चाहते हैं कि छोटी ही रहे, लेकिन अच्छी रहे, सच्ची रहे, उस पर विश्वास तो किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से भीड़ बढ़ा लीजिए, लेकिन अगर वो नकारात्मक है तो आप जानते हैं ना, सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये सबके लिए है, सबके लिए है, हमारे आपके पूरे समाज के लिए, समुदाय के लिए, पूरे देश के लिए है। तो इसलिए समाज नीति को मजबूत करना, समाज नीति क्या हो सकता है आप अच्छी तरह से समझते हैं, इस चीज को आपको आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने वीडियो को शेयर करना जरूरी है। सकारात्मक भारत महाआंदोलन में, सकारात्मक भारत महाआंदोलन यही है कि आपकी वीडियो को, जैसे वैभव भारद्वाज जी पहले भी जुड़े थे, उन्होंने जय हिंद भी लिखा और वंदे मातरम भी लिखा, तो आपको मेरा नमस्कार भी है, जय हिंद वंदे मातरम भी है, और तमाम तरह के जो संबोधन होते हैं वो सभी लोगों को है जो लोग देख रहे हैं हमारी तरफ से, तो हम आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद देंगे। लेकिन आप दो शब्द अगर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सकारात्मकता सकारात्मक भारत महाआंदोलन के समर्थन में आती है, और ये ग्रुप में जब जाता है तो लोग उसमें आप लोगों का नाम पढ़ते हैं, बहुत से लोग आपको जानते भी हैं। जैसे एक व्यक्ति जुड़े हैं और वो अपने लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा, बस एक मिनट का आप समझिए है, उसके बाद राष्ट्रीय आरजेएस का गीत सुनाया जाएगा। तो आप जुड़े हैं जरूर और आप शेयर भी करते हैं, ये भी है, आप आरजेएस की कोई चीज आती है आप शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो शब्द लिखना भी आपके विचारों से परिचित होना है, और लोग आपके विचारों से परिचित हो जाएं, क्या दिक्कत है?
और इसको अगर आप शेयर करते हैं तो इस फेसबुक लाइव होने खत्म होने के बाद वो सारी लिस्ट आ जाती है कितने लोगों ने शेयर किया। तो आप अपने लिए, अपनों के लिए अगर अच्छा माहौल बनाएंगे, पूरे भारत का माहौल अच्छा बन जाएगा। इसीलिए ये एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी जो है पूरे देश में फैलाने की कोशिश हो रही है। तो जब तक आप कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, तब तक हम आप लोगों को ये आरजेएस का जो सॉन्ग है उससे रूबरू कराते हैं। राष्ट्रीय गीत है, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत से लोग नए हैं तो वो लोग इसको सुन लें। ये राष्ट्रीय गीत है पॉजिटिव एनर्जी प्रिवेल करने के लिए, आगे भारत में फैलाने के लिए। तो आरजेएस का राष्ट्रीय संगीत जो है उससे रूबरू कराते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं, ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए, आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जहाँ सरकारों को जगाने के लिए अगला कार्यक्रम जो कोरोना लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, कोरोना का बिल्कुल प्रकोप खत्म हो जाएगा, उसके बाद शीर्ष स्तर की बैठकें होंगी और उसमें तमाम तरह के जो कर्ता धर्ता हैं देश के, जिनके पास सत्ता है, प्रशासन है, पावर है, उन लोगों से बातचीत की जाएगी, उन लोगों से सवाल पूछा जाएगा और सकारात्मक भारत आंदोलन की तरफ उन लोगों को मुखातिब किया जाएगा। और जैसे ही आप कोरोना का समय खत्म होता है तो वो किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए सुमन कुमारी जी ने लिखा है, सकारात्मक सोच एक अद्भुत शक्ति है जो जीवन की कठिनाइयों को आसानी से निपटने की प्रेरणा प्रदान करता है। आरजेएस परिवार की सकारात्मक सोच को नमन। आप आरजेएस परिवार में शामिल हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हैं उसमें शामिल हैं आप, और आप आरजेएस फैमिली में भी आइए, ग्रुप में आइए, आपके ज्ञान की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपकी अच्छी बातों को 25 राज्यों में भेजा जाता है और आपकी अच्छे वीडियो जो आएंगे सकारात्मक प्रेरक जो भी आएंगे उसको YouTube पर लगाकर और सारे ग्रुपों में भेजा जाता है। यही सकारात्मक भारत आंदोलन का है। तमाम तरह के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, उन लोगों से बातचीत करने का आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं और जो लोग जुड़े हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किया है उन लोगों को भी मेरी तरफ से शुक्रिया, उन लोगों को धन्यवाद, उन लोगों को जय हिंद, उन लोगों को वंदे मातरम, उन लोगों को नमस्कार, उन लोगों को और भी तमाम धर्मों के जो संबोधन होते हैं वो सभी संबोधन आप तक पहुंचे। हम भारत के लोग, भारतीय परिवार, इसी सकारात्मक सोच के साथ और एक मुस्कान के साथ अगले फेसबुक लाइव में जुड़ेंगे। उससे पहले जो राष्ट्रीय वेबिनार होगा उसमें आप सभी को आमंत्रित करते हैं। ग्रुप में भेज दिया गया है, आज वो लिंक भेज दिया गया है, 2:30 बजे से वो वेबिनार होगा, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें सुन सकते हैं। शनिवार और रविवार 9 और 10 जनवरी 2:30 बजे मिलते हैं आपसे। और फिर फेसबुक लाइव में छोटा सा फेसबुक लाइव होगा जो 7:30 बजे होगा अगले शनिवार और रविवार को। इसी वादे के साथ, एक मुस्कान के साथ आप सबों से विदा लेता है उदय कुमार मन्ना। और आपका ही ये आंदोलन है, इसको कतई ये ना समझें कि ये कहीं अलग चीज हो रही है, ये आपके लिए, आपके अपनों के लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी नई पीढ़ियों के लिए है। और इसी रास्ते पर चलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2021 को और ज्यादा बेहतर साल बनाने की कोशिश करेंगे। जो 2020 में सबक मिला है उसे अपने दिल में रखकर एक नया रास्ता निर्माण करेंगे, इसी को कहेंगे सकारात्मक भारत निर्माण। तो जय हिंद, जय भारत।